खबर डूंगरपुर से है, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं महंगाई शिविर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवलोकन किया, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और मंच से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही समय में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो दो अलग अलग तस्वीरें, एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंच से और दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब महंगाई राहत शिविर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलते जुलते भी नजर आए, बातचीत की और जन समस्याओं को भी सुना। अशोक गहलोत सीट से खोबरी कस्बे में चल रहे महंगाई राहत शिविर में पहुंचे हैं और लोगों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर के दौरे पर हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर सीएम पहुंच रहे हैं। महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री को देखा जा रहा है। अब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की अगर दौरे किए जाते हैं तो इसके कई मायने भी निकाले जाते हैं, चुनाव से ठीक तौर पर जोड़कर इसे देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ जुटी हुई है, इसे लेकर एक साफ मैसेज जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर भी। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर संबोधन करने वाले हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जयेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, डूंगरपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या तस्वीरें हैं वहां से इस वक्त? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर पहुंच चुके हैं और पहले ओबरी कस्बे में चल रहे हैं पहुंचे, जहां पर उन्होंने लाभार्थियों से उनको जो दी जा रही है योजना और गाड़ी कार्ड दी जा रहे हैं उनके बात की जानकारी उनसे पूछा, तसल्ली हुई, पूछा की क्या उनको फायदा मिलता है मिलता है। मुख्यमंत्री इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो ओबरी कस्बे में एक जनसभा में पहुंचे, फिलहाल मुख्यमंत्री मंच पर है, उनके साथ में मंत्री मालविया, राज्य मंत्री उमा शंकर शर्मा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो मंच पर मौजूद है। फिलहाल जो संबोधन कर रहा है, जो बड़ी महिलाओं हुआ है, आगे आगे जो लोग बैठे हैं वो थैंक यू जो सबके लेकर के बैठे हैं, मतलब लोग जो है मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो लागू चौथी बार गहलोत सरकार के नारे भी लग रहे हैं। ऐसे में मतलब ये एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि जो आदिवासी इलाके में जो मुख्यमंत्री ने जिन जिन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है उनका लाभ लोगों को मिल रहा है और जनता काफी खुश नजर आ रही है। जयेश, महज ढाई महीने में दूसरी बार डूंगरपुर का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इससे पहले जब पहुंचे थे तभी भी क्या इतना उत्साह दिखा था लोगों में, या इस बार ज्यादा उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा है वहां पर? तो ये चुनावी साल 2023 में मुख्यमंत्री का ये चौथा दौरा है और जो सरकार बनाने में आदिवासी इलाके की जो रिजर्व सीटें हैं 18 सीटें तो उदयपुर संभाग के टीएससी इलाके में आती है, उनका काफी बड़ा रोल होता है। यहाँ का जो वोटर्स है वो जो माहौल के हिसाब से एकदम से टर्न करता है, वो अपनी पार्टी बदल देता है। कई बार जो इससे पहले विधानसभा चुनाव थे उसमें चारों सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी, उससे पहले चारों सीटें कांग्रेस के पास थी और जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के पास महज एक सीट बची है डूंगरपुर विधायक गणेश गोगड़ा के रूप में, दो सीटें जो है वो बीटीपी के पास चली गई और एक सीट बीजेपी के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये पूरा फोकस है कि जो परंपरागत वोट बैंक है डूंगरपुर जिले का उसको वापस हासिल किया जाए, उसी को मद्देनजर आदिवासी इलाके में मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और यहाँ की जो लोग हैं उनके लिए आदिवासियों के लिए कई सारी योजनाएं भी चालू की है और लगातार मॉनिटरिंग करके अफसरों को ये हिदायत दी गई है जो योजनाएं शुरू की है उसका वास्तव में धरातल पर जो लोग हैं उनको उसका लाभ भी मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री की सभा में काफी संख्या में हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के साथ में चौथी बार गहलोत सरकार के नारे भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जयेश यहाँ पर लोगों को राहत मिलते हुए भी नजर आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर गारंटी कार्ड देते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। और आप बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास, ऐसे में इस सीट को लेकर कांग्रेस बेहद सीरियस और गंभीर है
और यही वजह है कि लगातार डूंगरपुर का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा जा रहा है। दूसरी ओर कोशिश ये है जयेश कि महंगाई राहत शिविर का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंच सके। कई जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा कर चुके हैं, आज यहां पर पहुंचे हैं, संबोधन भी करने वाले हैं। भीड़ हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, उत्साहित भी नजर आ रहे हैं जो लोग वहां पर पहुंचे, और इसके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जयेश, फायदा पहुंचेगा इसका चुनाव में सीएम को? जी बिल्कुल, जो महंगाई राहत कैंप है उसमें जिन 10 योजनाओं को मुख्यमंत्री ने लागू किया है, गारंटी कार्ड देने का जो प्रावधान लागू किया है, इन 10 योजनाओं में करीब करीब हर परिवार जो है वो शामिल होता है। मतलब कि बिजली को, चाहे वो बिजली की योजना हो, निःशुल्क बिजली की योजना हो, चाहे चिरंजीवी की योजना हो, चाहे रोजगार गारंटी की हो, हर परिवार कहीं ना कहीं, हर परिवार को एक बार शिविर में जरूर आना, मतलब कम से कम एक योजना का लाभ हर परिवार को मिलता ही मिलता है। और जो लोग हैं वो शिविरों में पहुंच रहे हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो सरकार इन शिविरों के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव बना रही है। और शिविरों में जो कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है, ऐसे में इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री जो है वो इस शिविरों के माध्यम से वोटर्स को साधने पर लगे हुए हैं, और उनका टारगेट है कि अधिक से अधिक जनता से जुड़ा हो, हर घर तक कांग्रेस सरकार पहुंचे और उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाए, ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को रिपीट होने का मौका मिल सके। बिल्कुल जयेश, सरकार को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, खुद भी गारंटी कार्ड बांटते हुए यहां पर मुख्यमंत्री को देखा गया है जयेश। और यही वजह है कि बीजेपी इसे लेकर जनाक्रोश के रूप में मना रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लोगों तक फायदा पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तो बौखलाहट है बीजेपी की। आज ये बौखलाहट कहां कहां पर देखने को मिल रही है, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं क्या बीजेपी वाले? देखिए, डूंगरपुर जिले में कांग्रेस महंगाई राहत शिविर शुरू होने के बाद में एग्रेसिव मोड में और इलेक्शन मोड में आ गई है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा फिलहाल बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, उनका कोई कार्यक्रम जिले में प्रदर्शन जैसा या कोई कार्यक्रम सामने नहीं आ रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और जो कई बार जो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की बात करें तो 50 कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए, ऐसे में ये मतलब जाहिर हो रहा है कि भाजपा आक्रामक मोड में नहीं है, या फिर जो है वो इनको भाजपा कार्यकर्ताओं में अभी वो जोश नहीं आया है। इस चीज का पूरा जो फायदा है वो कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि जिले में विरोध प्रदर्शन जो है विपक्ष का वो न के बराबर है। और जयेश, शायद जोश कार्यकर्ताओं में इसलिए भी नहीं है क्योंकि जन समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस भी लगातार यही आरोप लगा रही है कि आप जन आक्रोश रैली तो निकाल रहे हैं, महागिराव कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके साथ नहीं है, क्योंकि लोगों को संतुष्टि मिल रही है केंद्रों से, उन्हें फायदा पहुंच रहा है। क्या सही मायने में लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है क्या बीजेपी को? जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार महंगाई राहत शिविरों में भीड़ जुट रही है, और उधर भाजपा की बात करें तो भाजपा की जन आक्रोश रैलियों और सभाओं में न तो बराबर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ी साबित हो रही है। और ये चीज कहनी पड़ेगी कि महंगाई राहत शिविरों का जो है वो असर भाजपा के जन आक्रोश जो सभाएं हैं, रैलियां हैं, उस पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो काफी मेहनत करने के बावजूद भी सभाओं में और रैलियों में भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी एक्टिव मोड में नहीं है, और पूरे जो मामले में मतलब कांग्रेस सीधी सीधी प्लस होती नजर आ रही है। बिल्कुल जयेश, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलते हुए उसे नजर आ रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका जोश ठंडा होते हुए नजर आ रहा है जयेश। और क्योंकि खुद कांग्रेस कह रही है कि लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर आपकी बातचीत हो पाई है लोगों से, कितने संतुष्ट हैं वो महंगाई राहत केंद्रों से? बिल्कुल, देखिए जो शिविर चल रहे हैं उसमें जिस प्रकार की योजनाएं हैं उसमें करीब करीब हर परिवार को एक न एक लाभ मिलना निश्चित है। ऐसे में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के समर्थित लोग हैं उनको भी उन शिविरों में जाना पड़ रहा है, और वो खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे वास्तव में जो योजना की गारंटी कार्ड दिया जा रहा है कि चाहे वो चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा हो, 10 लाख का बीमा हो, पेंशन की बात हो या निःशुल्क बिजली की बात हो, सरकार गारंटी के साथ में योजनाओं का लाभ देने की बात कर रही है, और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाजपा के लोगों को भी शिविरों में जाना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख करके ऐसा लगता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ा उत्साह कम हुआ है, और दूसरी ओर भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका
एक्टिव मोड में नहीं आना भी बीजेपी का जो है डाउनफॉल जाने का बड़ा कारण है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी डाउनफॉल में है इन केंद्रों की वजह से, क्योंकि लोगों तक फायदा पहुंच रहा है और लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान हम देख पा रहे हैं जयेश, उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर। अब क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें आई जयेश, कई ऐसी खबरें आई कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता पहुंच गए केंद्रों में और बंद कराने के लिए कहने लग गए, कई केंद्रों को तो बंद भी करा दिया था बीच में, जैसे कि खबरें आई थी। अब कांग्रेस इसे लेकर हमलावर थी, कह रही थी कि ये तो पूरी तरीके से गलत है, मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे। देखिए, इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कई जिलों से आई थी कि बीजेपी के बड़े नेता शिविरों में पहुंचे और शिविरों को बंद कराने की कोशिश की या बंद करवा दिए, लेकिन डूंगरपुर जिले में बीजेपी का कोई बड़ा नेता किसी शिविर में नहीं पहुंचा है और न ही किसी प्रकार का बड़ा विरोध प्रदर्शन भाजपा की ओर से किया गया है। महंगाई राहत शिविरों को लेकर के बीजेपी डूंगरपुर जिले में पूरी तरीके से मौन है, किसी प्रकार का बयान नहीं आ रहा है, कोई नेता सामने आकर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि इन शिविरों को लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी जो है वो सरकार की योजनाओं को सफल होता बता रही है। ऐसे में जो जनता भी है वो शिविरों से जुड़ रही है और कांग्रेस जो है वो जिले में मजबूत होती जा रही है, जो काफी समय से टुकड़ों में बटी हुई थी। बिल्कुल जयेश, यानी कि साफ तौर पर इन केंद्रों का फायदा कांग्रेस को होते हुए नजर आ रहा है। अब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए तो निश्चित तौर पर लोगों में भी उत्साह है, संबोधन भी करने वाले हैं थोड़ी देर में, आप नजर बना रखिएगा। जयेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेताओं ने सीएम का स्वागत किया, महंगाई शिविर के अवलोकन का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया गया मुख्यमंत्री की ओर से। और अब बात कर लेते हैं श्रीगंगानगर की, ये खबर भी आपको बताएंगे, उससे पहले जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, अवैध कॉलोनी बसाने पर जेडीए का बुलडोजर चला है। जेडीए जोन 13 जमवा रामगढ़ में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, 50 बीघा कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के कॉलोनी बसाने पर कार्रवाई की गई। ग्राम हीरावाला जमवा रामगढ़ में भी जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली है, 7 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी और इस प्रयास को विफल किया गया है, बुलडोजर चलाकर यहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए देखा गया। ग्राम लालवास में 4 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो इकोलॉजिकल जोन में अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी, जिसे जेडीए ने नाकाम कर दिया है, पीला पंजा चलाते हुए यहां से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। कुल 50 बीघा कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से, इकोलॉजिकल जोन में निर्माण कर रहे थे, अभी क्या कार्रवाई वहां पर जारी है, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। प्रियंका, देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दखों ने आज 3 अलग अलग इलाकों के अंदर कार्रवाई की है। करीब 65 बीघा जो जमीन है उसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही थी, उन्हें ध्वस्त किया है 3 स्थानों के ऊपर। जो पहली कार्रवाई की गई है जम्मा रामगढ़ क्षेत्र के अंदर 50 बीघा कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से आवासीय स्कीम बसाई जा रही थी, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने उसे ध्वस्त किया है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात सामने आई है, जेडीए की बिना स्वीकृति के अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। दूसरी जो कार्रवाई की गई है हीरावाला जम्मारामगढ़ के अंदर करीब 7 बीघा जो भूमि है उसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। सबसे बड़ी जो बात है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जो इकोलॉजिकल जोन है उसके किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह के ऊपर 4 बीघा जो जमीन है लालावास गाँव के अंदर वहां पर अवैध जो स्कीम बताई जा रही थी, ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया, बाउंड्री वाल और जो अवैध निर्माण है वो किए गए, जिन्हें आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। प्रियंका, ठीक है, शुक्रिया रोशन आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उकर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, चूरू से बड़ी खबर है, रोहित गोदारा की तलाश में लगातार सर्च अभियान जारी है, पुलिस ने सुबह 5 बजे से ही सर्च अभियान चलाया, विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी, पुलिस के उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, पुलिस ने वांटेड अपराधियों को भी इस दौरान पकड़ा है। तो वांटेड अपराधियों को पकड़कर उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रोहित गोदारा को पुलिस के कब्जे में लिया जाए। बता दें, लगातार रोहित गोदारा के नाम पर
व्यापारियों को धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। रंगदारी के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को लेकर चूरू पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। अलग अलग जगहों पर पुलिस की ओर से दबिश दी गई। इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी पुलिस के मौजूद रहे। सुबह 5 बजे से ही सर्च अभियान चलाया गया। कई स्थानों पर पुलिस ने एक साथ दबिश दी और रोहित गोदारा को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। रोहित गोदारा का कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वांटेड अपराधियों को पकड़ा है। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए लगातार तलाश अभियान जारी है। मनोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सुबह 5 बजे सर्च अभियान चलाया गया, बताया जा रहा है कई बड़े पुलिस के अफसर भी मौजूद रहे, कुछ कामयाबी नहीं मिल पाई। क्या आगे इस तरीके की कार्रवाई फिर से की जा सकती है और कौन कौन से वांटेड अपराधी पकड़े गए हैं? मनोज, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो रोहित गोदारा है उसकी तलाश के अंदर सर्च अभियान चलाया गया। चूरू जिले भर के अंदर ये अभियान चलाया गया और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी इस पे नजर रही। एसपी राजेश कुमार हैं, उनकी इस पूरे मामले पे नजर थी और जो डिप्टी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं वो भी इस सर्च अभियान के अंदर शामिल हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ के अंदर जो जेडीजे ज्वेलर्स के शोरूम के जो मालिक है उसको धमकी मिलने के बाद में और जो रोहित गोदारा है उसको लेकर और पुलिस है वो काफी गंभीर हुई है। और इसके अलावा जो रतनगढ़ एमएलए अभिनेश महर्षि है उनको भी रोहित गोदारा के नाम पर और धमकी रंगदारी को लेकर मिल चुकी है, जिसके बाद से ही जो पुलिस है उस पुलिस को रोहित गोदारा की तलाश है और उच्च अधिकारियों के आदेश पे ये जो सर्च अभियान है वो पुलिस के द्वारा चलाया गया चूरू जिले के अंदर। और साथ ही जो 3 मई की जो तारीख दी गई थी जो ज्वेलर शोरूम है उसके मालिक को कि 3 मई को चाहे हमारे 10-12 आदमी मर जाए लेकिन आपकी वो आपके ऊपर फायर किया जाएगा, हत्या की जाएगी, इस तरह की धमकी है वो ईमेल के जरिए रोहित गोदारा के द्वारा के नाम से दी जा चुकी है, जिसके बाद से 3 मई को पुलिस के द्वारा और सुजानगढ़ के अंदर विशेषतः और पुलिस के जाब्ता है वो तैनात किया गया था। उसके बाद में आज सुबह ये सर्च अभियान है वो पुलिस के द्वारा चलाया गया, जिसके अंदर पुलिस ने कुछ वांटेड अपराधियों को भी पकड़ा और कुछ जो 151 के अंदर शांति भंग के अंदर भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से बार बार रोहित गोदारा के नाम पर धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, रंगदारी मांगे जा रहे हैं, ऐसे में सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि रोहित गोदारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सवाई माधोपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। कलेक्ट्रेट पर बीजेपी की आम सभा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी सभा स्थल पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सांसद सुखबीर सिंह जैनापुरिया भी यहां पर मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर इकट्ठा हैं और अब से कुछ ही देर में सीपी जोशी आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो भीड़ भी आप देख पा रहे हैं, आम सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। खास तैयारियां इस आम सभा को खास बनाने के लिए बीजेपी की ओर से की गई, कार्यकर्ताओं ने पूरा दमखम लगा दिया और यहां पर भीड़ आप देख पा रहे हैं, कई हजार लोग यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय में सीपी जोशी इस आम सभा को संबोधित करेंगे। तो राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से इस सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। यहां पर बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब से कुछ ही समय में सीपी जोशी सभा को संबोधित भी करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त सभा स्थल पर ही मौजूद है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने आज 370 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। 119 टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कच्ची शराब बनाने की भट्टियां नष्ट की गई। वहीं पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थ, हथकर शराब और हथियार भी जब्त किए गए और इसके साथ साथ पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे वांटेड अपराधियों, हिस्ट्री शीटर और दूसरे आपराधिक तत्वों को भी धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। और अब बात चाकसू की, जहां पर चांदेल गांव में एक निजी फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
नाराज मजदूर पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वीकली ऑफ और सरकारी अवकाश देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 20% मजदूरी बढ़ाने की भी मांग की है। गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। करना चाहते हैं साहब, ये लेबर ये कह रहे हैं कि संडे चाहिए और 20% तनख्वाह बढ़नी चाहिए, ये बात है। ऐसा नहीं बताया, दिन में बाथरूम करने के लिए 2 बार ही जाना पड़ता है। अच्छा, उससे नहीं जाने दे रहे तो क्या बोलते हैं? टाइम काटता है, अगर जाते हैं तो टाइम काटते हैं। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, झालावाड़ से बड़ी खबर है। डग क्षेत्र में एमपी पुलिस पर हमले के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दे। मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बदमाशों के द्वारा अभियुक्त दबोचा गया था, जिसे उसे छुड़ा लिया है। एनडीपीएस का अभियुक्त लियाकत खान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। एमपी पुलिस पर हमला कर बदमाश इसे लेकर फरार हो गए थे, तो थोड़ी ही देर में पुलिस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा करेगी। तो बता दें, बदमाशों ने हमला कर पुलिस के गिरफ्त से बदमाश को छुड़ा लिया था और दोबारा से इस बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। लियाकत खान दोबारा से पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तरुण कुमार शर्मा इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, बड़ी कामयाबी पुलिस को, दोबारा से हत्थे चढ़ गया लियाकत, क्या जानकारी, कैसे मिली है सफलता? जी बिल्कुल, पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। और जो कल देर शाम मध्य प्रदेश पुलिस की टीम पर हमला करके जो बदमाश इसे छुड़ा कर ले गए थे, उसके बाद पुलिस ने पूरे रात भर डग थाना क्षेत्र और सीमावर्ती मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाकों में सर्च ऑपरेशन और दबिश की कार्यवाही की और इसे धर दबोचा है। फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस सारे मामले में अभी फिलहाल पुलिस के हाथ बदमाश नहीं लगे हैं, लेकिन जो ये एनडीपीएस का जो आरोपी था, हाँ, जिसको कि मध्य प्रदेश से झालावाड़ के भवानी मंडी कोर्ट में पेशी पर लाए थे और इसे बदमाश जो ले गए थे उसको वापस से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारे मामले में पुलिस करीब आधे से एक घंटे के बाद प्रेस वार्ता में इस सारे मामले का, उसकी गिरफ्तारी का खुलासा करेगी, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है कि इस तरह से जो ये बदमाश इसी क्षेत्र का रहने वाला था और उसके गांव के पास से ही उसको लेकर जा रही थी पुलिस, और उसके बाद उसके परिचितों ने हमला किया, उसके साथियों ने हमला किया पुलिस टीम पर, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का एक एएसआई भी घायल हुआ है। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस ने, राजस्थान पुलिस की ये कामयाबी कही जाएगी कि जो डग थाना क्षेत्र के जो सर्किल की पुलिस थी वो लगातार लगी रही और लियाकत खान को धर दबोचा। बिल्कुल तरुण, राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर खुलासा भी किया जाएगा, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।